हेलो एवरीवन, आई एम स्वाति। वेलकम बैक और नर्सरी लाइफ के गार्डनिंग ए टू जी लाइव सेशन में स्वागत है आपका। अगर आपने अभी तक नर्सरी लाइफ के फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो नहीं किया है तो सबसे पहले तो आप लाइक का बटन दबाएं, सब्सक्राइब करें, फॉलो करें पेज को, जिससे आगे भी ऐसे लाइव सेशंस और जो भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हैं वो आपको मिलते रहें, उनकी अपडेट्स मिलती रहें। तो चलिए मिल के साथ में एक हैप्पी और हेल्दी गार्डन क्रिएट करते हैं। गार्डनिंग के शौकीन लगभग हर किसी की एक ही इच्छा होती है, एक ही एक्सपेक्टेशन होती है अपने गार्डन से, कि उनका गार्डन नीट एंड क्लीन दिखे, बिल्कुल वेल ऑर्गेनाइज दिखे, प्लांट्स बहुत हेल्दी रहें, बहुत अच्छे से ग्रो करें, सीज़न हो तो फ्लावर्स आएं, और बेसिकली चाहे उनका गार्डन छोटा सा हो, चाहे बड़ा हो, टेरेस पे हो, चाहे छोटी सी बालकनी में उन्होंने गार्डन क्रिएट किया हो, लेकिन जब भी वो अपने फ्री टाइम में या सुबह या शाम अपने गार्डन में बैठें, अपने प्लांट्स के बीच में बैठें, तो उन्हें एक अच्छी सी फीलिंग आनी चाहिए और मतलब दिल बिल्कुल गार्डन गार्डन हो जाए गार्डन में बैठ के। तो हमें शौक बहुत होता है गार्डनिंग का, पेड़ पौधे भी खरीद के ले आते हैं, नर्सरी से लेके आते हैं, लेकिन कुछ मिस्टेक्स हम ऐसी कर जाते हैं कि हमारा गार्डन हमारी एक्सपेक्टेशंस को मीट नहीं कर पाता है। हम सोचते हैं कि बहुत वैरायटीज़ के प्लांट्स रख दें और कॉस्टली प्लांट्स भी खरीद के लाते हैं, लेकिन कुछ ना कुछ तो हम गलतियाँ कर जाते हैं, कुछ खास बातों का हम ध्यान नहीं देते हैं, तो उससे होता क्या है, पौधे सूखने लगते हैं, पौधे मर जाते हैं, या फिर गार्डन बहुत मैसी सा दिखता है, तो बेसिकली गार्डन में अच्छा नहीं लगता है बैठ के, और होता क्या है फिर धीरे धीरे हमारा गार्डनिंग से इंटरेस्ट हटने लगता है। तो क्यों होता है, आज हम इसी टॉपिक पे डिस्कस करने वाले हैं। तो बेसिकली आज हम डिस्कस करेंगे 11 ऐसे रूल्स या 11 ऐसे टिप्स जिससे आप अपना गार्डन बहुत खूबसूरत बना सकते हैं, आपके प्लांट्स बहुत हेल्दी दिखेंगे और आप जब अपने गार्डन में बैठेंगे तो आपको फील होगा, रियलाइज़ होगा कि हाँ मेरे प्लांट्स बड़े हेल्दी हैं और टाइमली फ्लावर्स आएंगे और अच्छी सी फीलिंग आएगी। तो क्या है वो रूल्स, क्या है वो टिप्स जो आपके गार्डन को खूबसूरत बना सकते हैं? तो सबसे पहली बात तो ये है कि आपको प्लांट बहुत वाइजली चूज़ करना है। अगर मैं कहूँ प्लांट वाइजली चूज़ करना है तो उससे मेरा ये मतलब है कि ऐसा नहीं है कि जैसे आपने फेसबुक पे या कहीं पे आपने कोई प्लांट देखा, उसके फ्लावर देखे, आपको बड़ा पसंद आ गया और आप ऑनलाइन खरीद लेते हैं वो पौधा, आपने इस बात पे गौर नहीं किया कि वो फ्लावर किन वेदर कंडीशन में ग्रो हो रहा है या वो प्लांट कहाँ ग्रो हो रहा है, वो प्लांट आपके एरिया के वेदर कंडीशंस में सर्वाइव करेगा या नहीं, राइट? और कभी कभी होता है हम हिल स्टेशंस वगैरह पे घूमने गए, हमें कोई बड़ा प्लांट पसंद आया और हमने खरीद लिया और हम लेके आ गए, फिर हमने ध्यान नहीं दिया कि हम कोस्टल एरिया में रहते हैं या फिर कहाँ रहते हैं, वहाँ की वेदर कंडीशंस और हिल स्टेशंस की वेदर कंडीशंस अलग होती हैं, वो प्लांट वहाँ पे सर्वाइव करेगा या नहीं। तो हमें इन बातों का बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। इसके साथ ही जो सबसे बड़ा फैक्टर है वो है सनलाइट रिक्वायरमेंट किसी भी प्लांट की। तो आपको ये भी डिसाइड करना है कि आपके गार्डन में या आपके बैल्कनी में कितनी धूप आती है, कितनी देर के लिए धूप आती है, उसी अकॉर्डिंग आपको अपना प्लांट चूज़ करना है। अगर आप अपनी बैल्कनी में कोई पौधा रखना चाहते हैं और अगर 2-3 घंटे की धूप आती है तो उस अकॉर्डिंग आपको पौधा चूज़ करना है। ऐसा पौधा नहीं चूज़ करना है जिसको 5-6 घंटे की धूप चाहिए फ्लावरिंग के लिए, राइट? सिमिलरली अगर आप कोई पौधा इंडोर रखने के लिए ला रहे हैं लिविंग रूम के लिए, तो उस वो ऐसे पौधे चूज़ करें जिसको कम लाइट की ज़रूरत हो, लो लाइट कंडीशंस में जो, या फिर पार्शियल सनलाइट में जो ग्रो हो जाए पौधे, ऐसे चूज़ करें। तो सनलाइट की रिक्वायरमेंट प्लस आपके एरिया के वेदर कंडीशंस के अकॉर्डिंग आप अपना पौधा चूज़ करें। दूसरी बात हो गई कि हमें गार्डनिंग के लिए कुछ टूल्स की ज़रूरत होती है, राइट? तो टूल्स भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं आपकी गार्डनिंग में। अगर आप सोचें कि मुझे रिपोर्टिंग करनी है या कोई पौधा निकालना है पॉट से, तो क्या ज़रूरत है मुझे शवल की, किचन से नाइफ उठाया और उसी से शुरू हो गया, तो वो सही तरीका नहीं है। हर टूल का एक अलग रोल है गार्डनिंग में, राइट? अगर आपको किसी प्लांट की प्रूनिंग करनी है तो आप सोचें प्रूनर खरीदने की क्या ज़रूरत है, मैं क्यों इतना पैसा वेस्ट करूं और अपने घर से जो पेपर कट करने वाला सीजर है उठाया और आप प्रूनिंग करने लगे। तो अगर आप मोटी डाल की प्रूनिंग करेंगे जो अपने घर का सीजर है तो उससे नहीं कटेगा, राइट? और सही से होगी भी नहीं, एक शार्प प्रूनर की ज़रूरत होती है जिसे वन गो में वो कट जाए। साथ ही अगर आपके पास बैल्कनी में 8-10 गमले रखे हुए हैं और आपको उनमें पानी डालना है, तो आप सोचें कि एक पाइप खरीद लाएं और उससे हम पानी डालें, तो 8-10 गमलों के लिए आपको पाइप की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास बड़ा लॉन है, बड़ा गार्डन है, तो आपको पाइप की ज़रूरत है, लेकिन गमलों में पानी डालने के लिए आपको
वाटर कैंस की जरूरत होगी। मैं दिखाती हूँ, जैसे ये वाटर कैंस की, राइट। आप पाइप से पानी डालेंगे तो आपका गार्डन भी बिल्कुल, आपकी बालकनी मेस्ड अप हो जाएगी क्योंकि मिट्टी बाहर निकल के गिरेगी। कैन से आप आराम से 8-10 गमलों में पानी डाल सकते हैं। तो बेसिकली आपको अपने गार्डन के हिसाब से टूल्स की भी ज़रूरत पड़ती है, तो ये टूल्स भी रखना बहुत ज़रूरी है। आप उनको इग्नोर नहीं कर सकते हैं कि मैं इसमें क्यों पैसे इन्वेस्ट करूँ, वो भी बहुत ज़रूरी चीज़ है। उससे आपकी चीज़ें बहुत नीट रहेंगी। प्रूनर की ज़रूरत है तो भाई, अगर आपको प्लांट की प्रूनिंग करनी है तो आप कैसे काटेंगे, प्रूनर की ज़रूरत है। शवल की ज़रूरत है। प्रूनर भी मैं आपको दिखा देती हूँ क्या होता है। ये होता है प्रूनर, कई टाइप के आते हैं, कई साइजेस में आते हैं। अगर आपकी मोटी ब्रांचेस काटनी है तो मोटे वाले आते हैं, छोटी पतली के लिए आप सीजर भी रख सकते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो ये हमने दो पॉइंट्स डिस्कस कर लिए। पहला तो भाई आपको प्लांट बहुत वाइजली चूज़ करना है। सेकेंड, आपको प्रॉपर टूल्स की भी ज़रूरत होती है गार्डनिंग के लिए। तीसरी बात होती है वाटरिंग, जो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अगर आपने पौधों में पानी डालने में इधर उधर कर दिया, किसी को ज़्यादा पानी डाल दिया, किसी को कम डाल दिया, तो आपका पौधा गया। किस प्लांट को कितनी वाटर की रिक्वायरमेंट है ये जानना बहुत ज़रूरी है, राइट। तो किसी भी प्लांट को ओवर वाटरिंग तो बिल्कुल करनी ही नहीं है। आपको हमेशा ये ध्यान देना है कम पानी डालो। आप अंडर वाटरिंग हमेशा चलती है, लेकिन ओवर वाटरिंग से ही 90% प्लांट्स हमारे मर जाते हैं। होता क्या है, रूट रॉट होने लगता है, बहुत सारा पानी डाल दिया। तो फ्रीक्वेंटली आप डालते रहो, डेली दोनों टाइम डालो या डेली ढेर सारा पानी डाल दो, तो सॉइल से पानी इवेपोरेट होने के लिए उसको टाइम ही नहीं मिलता है इतना। एंड अगेन, पानी कब डालना है वो भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है। तो पानी आप हमेशा कोशिश करें कि सुबह के टाइम पर डालें, पौधों में एक फिक्स टाइम रख लें वाटरिंग के लिए। पानी डालने के बहुत सारे तरीके भी होते हैं। जैसे मैंने अभी बोला कि सुबह के टाइम, तो आप सोच रहे होंगे सुबह ही क्यों डालें, हम सुबह कितने बिजी रहते हैं, टाइम नहीं हुआ, तो हम शाम को डाल दें। फिर शाम को डालने से क्या होता है, अगर हम सुबह डालेंगे पानी, हमने एक्स्ट्रा पानी भी डाल दिया, तो दिन की जो धूप होती है उससे एक्सेस वाटर वगैरह जो होता है वो इवेपोरेट हो जाता है, तो प्लांट अपना दिन भर में नॉर्मल हो जाता है। लेकिन अगर हमने शाम को ढेर सारा डाल दिया और एकदम बिल्कुल वाटर लॉक्ड है आपका पॉट, तो होगा क्या कि दिन पूरे शाम तक रात तक वो उसी में पानी में सोख होता रहेगा। नेक्स्ट डे सपोज आपने सुबह ही डाल दिया, फिर और पानी भर दिया उसमें, तो होगा क्या, रूट रॉट होने लगेगा, पौधा आपका गलने लगेगा। तो कोशिश करें कि सुबह के टाइम डालें पानी और एक फिक्स टाइम रखें वाटरिंग का। पानी, पौधों को पानी देने का भी बहुत तरीका होता है, बहुत सारे तरीके होते हैं। अगेन डिपेंड करता है कि आप किस तरह के प्लांट को पानी देने जा रहे हैं। जैसे बहुत सारे तरीकों में जैसे होता है मिस्टिंग क्या होती है। मिस्टिंग यूजली हम जो हमारे इंडोर प्लांट्स होते हैं उनके लिए करते हैं, क्योंकि जैसे बड़े पत्ते वाले कोई प्लांट रखे, जैसे आप ये देख सकते हैं फिडल लीफ का प्लांट है, कितने बड़े बड़े पत्ते हैं इसके, तो इसको हमने इंडोर रखा है, तो इस पे भी डस्ट चिपक जाती है पत्तियों पे। इस पे आप पत्तों पे मिस्टिंग करें कुछ इस तरीके से, स्प्रे बॉटल से। स्प्रे बॉटल आती हैं, बहुत शेप्स में आ जाती हैं, आप इनसे स्प्रे करें और उसके बाद आप उसको क्लीन कर दे कपड़े से। मिस्टिंग से क्या होता है कि जो धूल चिपकी हुई होती है वो हट जाती है और प्लांट को ब्रीथ करने का मौका मिलता है, वो ढंग से ब्रीथ कर सकेंगी पत्तियाँ। और सिर्फ ऐसा नहीं है कि पत्तियों पे मिस्टिंग करते हैं, आप पौधों में रूट के पास भी मिस्टिंग करें जब बहुत ज़्यादा पानी डालने की ज़रूरत नहीं है। हैंगिंग बास्केट्स में आपको पानी डालना है, बहुत ज़्यादा उसको पानी डालने की ज़रूरत नहीं है, तो आप मिस्टिंग कर सकते हैं हैंगिंग बास्केट्स में भी। क्योंकि अगर आप मग से या जार से डालेंगे पानी तो ज़्यादा चांसेस हैं कि पानी बहुत ज़्यादा पड़ेगा और फिर वो नीचे गिरेगा, आपका फ्लोर मेस्ड अप हो जाएगा, मेसी हो जाएगा। तो इसके अलावा हैंगिंग बास्केट्स में पानी डालने का एक और तरीका है कि आप आइस क्यूब्स भी डाल सकते हैं। आइस क्यूब्स उठाएं, आप हैंगिंग बास्केट में अंदर डाल दें, उससे बहुत ज़्यादा पानी उसमें नहीं होगा, एक्सेस वाटर इस तरीके का नहीं होगा कि वो पानी नीचे गिरे और आपका फ्लोर गंदा हो। तीसरी बात, जैसे मैं मिस्टिंग बोल रही थी, तो मिस्टिंग किस तरह के प्लांट्स में करते हैं, ऐसे प्लांट्स में जिन्हें बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती है। जैसे आप देख सकते हैं मेरे सामने है टेरेरियम, तो इसमें फर्न और सिंगोनियम के प्लांट लगे हुए हैं। तो जिस तरीके से इसको डेकोरेट किया है, अगर मैं इसमें मग से पानी डालूंगी तो ये सारा कुछ स्पॉइल हो जाएगा, राइट। इसको कम पानी की ज़रूरत है। और इस तरह के टेरेरियम्स में हम मिस्टिंग करते हैं, इस तरीके से आप मिस्टिंग करेंगे। और मैं आपको दिखाती हूँ मिस्टिंग करके।
इस तरीके से थोड़ा थोड़ा पानी आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं कि आपको कितना ज़्यादा चाहिए। ठीक है, इस तरीके से हम मिस्टिंग करेंगे टेरेरियम्स में, या फिर हमारे पास अगर कोई सक्यूलेंट्स हैं, जैसे मैं दिखा देती हूँ, जैसे मैंने ये सक्यूलेंट का फेरी गार्डन छोटा सा बनाया छोटे से पॉट में, तो सिमिलरली इसी की तरह अगर मैं इसमें मग से पानी डालूंगी तो सारा स्पॉइल होगा, प्लस सक्यूलेंट्स को पानी भी बहुत कम चाहिए होता है, तो इसमें भी आप मिस्टिंग कर दें रूट्स के पास से। ओके, एक और तरीका होता है वाटरिंग का कि आप जैसे मैंने बोला आइस क्यूब्स वाला, ठीक है, इसके अलावा इमर्शन मेथड होता है। जैसे कि आपके पास अगर छोटे पॉट्स में प्लांट्स लगे हुए हैं तो आप किसी बकेट में या मग में पानी लें और अपने पॉट को इस तरीके से उसमें डुबो दें आप, एक मिनट के लिए होल्ड रखें, उसके बाद आप इसको बाहर निकालें तो जो भी एक्सेस वाटर होगा वो नीचे ड्रेन ऑफ होता रहेगा, पानी निकल जाएगा और आपके पॉट प्लांट को जितना पानी चाहिए उतना पानी उसे मिल जाएगा। तो छोटे पॉट्स के लिए इमर्शन मेथड भी बहुत अच्छा होता है। ठीक है, और इसके अलावा कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनको पानी डालने के लिए हमें बहुत ज़्यादा कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिन्हें बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालना होता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा डालेंगे तो सड़ जाते हैं अगेन, जैसे सक्यूलेंट्स हो गए सारे और कैक्टस फैमिली के जितने प्लांट्स होते हैं वो सारे, तो उनके लिए एक तो मैंने बताया मिस्टिंग कर सकते हैं आप, ठीक है, और दूसरा आप क्या कर सकते हैं कि इस तरीके की ट्रेज में भी आप रख सकते हैं, पेबल्स कुछ डाल दें इस तरीके से और उसमें आप पानी भर दें। ठीक है, पानी भर देंगे आप इसमें, और जैसे ये प्लांट मैं दिखाती हूँ आपको, और इसको आप इसके ऊपर रख दें। इससे इसके दो फायदे हैं, एक तो ह्यूमिडिटी बना के रखता है प्लांट में, इस तरीके से बहुत ज़्यादा पानी वो नहीं लेगा, कैपिलरी एक्शन से इसको जितना पानी चाहिए वो ले लेगा, मिट्टी में सॉइल में खींच लेगा। तो एक तो ये तरीका हो गया, मिस्टिंग हो गई जैसे मैंने बोला, और आइस क्यूब्स वगैरह आप डाल सकते हैं हैंगिंग बास्केट्स में, और इमर्शन मेथड जैसे मैंने बोला आपको करना क्या है उसमें, कोई छोटे पॉट के लिए इमर्शन मेथड बहुत इफेक्टिव होता है, बकेट में आप पानी लीजिए और अपना पॉट उठाइए, उसको ऐसे पकड़ करके आप पूरा डुबो दीजिए थोड़ी देर, एक मिनट टाइप आप उसको होल्ड रखिए, और उसके बाद आप जब निकालेंगे तो जितना पानी चाहिए पॉट को वो ले लेगा, बाकी एक्स्ट्रा पानी ड्रेन ऑफ हो जाएगा। तो ये तरीके होते हैं वाटरिंग के। वाटरिंग अगेन जैसे मैंने बोला कि आपका गार्डन साइज कितना है उस पर डिपेंड करता है, बहुत बड़ा गार्डन है तो ऑब्वियसली आप इस तरीके से पानी नहीं डालेंगे उनमें आप पाइप से डालेंगे पानी, पॉट्स में डालना है तो अगेन आप वाटर कैन का यूज़ करेंगे, और इन मेथड्स का इंडोर प्लांट्स के लिए यूज़ करेंगे, इंडोर प्लांट्स के पत्तों पर आप मिस्टिंग करेंगे, जिन पौधों को कम पानी चाहिए उनमें आप स्प्रे बॉटल का यूज़ करेंगे। तो ये कुछ तरीके होते हैं जिनसे हमें पानी डालना है, और हमेशा आपको इस बात का ध्यान रखना है कि ओवर वाटरिंग बिल्कुल नहीं करनी है। कैसे आप जानेंगे कि पानी डालना है कि नहीं डालना है पौधे में, जैसे मैं ठीक है, जैसे ये पॉट है, अब आपने सोचा कि डालूं पानी या नहीं डालूं, तो उसका एक सिंपल तरीका है, एक थंब रूल बना लीजिए कि आपको जब भी डालना है पानी पौधों में हमेशा आप अपनी फिंगर ऐसे आप पोक करिए, ठीक है, 1/2 इंच to 1 इंच, और अगर आपको लगता है कि मिट्टी चिपक के आ रही है और अंदर आपको मॉइस्ट फील हो रहा है तो आप पानी ना डालें। अगर आपको लगता है कि बिल्कुल ड्राई है, वो टच करके भी फील हो के आपको पता चल जाएगा ड्राई है, तो ही आप पानी डालें। तो बिल्कुल आप इसको थंब रूल बना लें, एक्स्ट्रा वाटर तो डालना ही नहीं है पौधों में, और ओवर वाटरिंग करनी ही नहीं है। तो ये हो गई वाटरिंग के तरीके। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है कि आप अगर ये एक्सपेक्ट करें कि आपके पौधे साल भर बहुत अच्छे से ग्रो करते रहें, नई शूट्स आती रहें, अच्छी ग्रोथ दिखाए और नई मतलब उसमें फ्लावर्स आते रहे साल भर, तो वो पॉसिबल नहीं है। हर प्लांट का एक रेस्ट पीरियड होता है। व्हाट इज रेस्ट पीरियड? रेस्ट पीरियड का मतलब हो गया हर प्लांट एक डॉर्मेंसी पीरियड में जाता है। आपने रेयरली कोई पौधा देखा होगा कि जो साल भर बिल्कुल लश ग्रीन रहता है, उसमें साल भर फूल आते रहते हैं, नई ग्रोथ होती रहती है, नई ब्रांचेस निकलती रहती हैं, सभी पौधों में ऐसा नहीं होता है। तो कुछ पौधों में ऐसा होता है
कि वो विंटर्स में डोरमेंसी पीरियड में चले जाते हैं। डोरमेंसी पीरियड की बात करें तो क्या होता है डोरमेंसी पीरियड? डोरमेंसी पीरियड का मतलब होता है प्लांट में उस वक्त कोई ग्रोथ नहीं देखने को मिलेगी। प्लांट बिल्कुल आपको स्टंट दिखेगा, ना उसमें नई शूट्स दिखेंगी, ना उसमें नई लीव्स दिखेंगी, ना फ्लावर्स, ना फ्लावर बड। आपको लगेगा कि कुछ तो प्रॉब्लम हो गई है मेरे प्लांट में, ये ग्रो नहीं कर रहा है। इसमें कुछ भी, 1 महीना हो गया, इसमें कुछ ग्रोथ नहीं दिख रही, एक सिंगल नई लीफ भी नहीं निकली है। तो वो होता है डोरमेंसी पीरियड। आपको आपको उस हाल में उस प्लांट को छोड़ देना चाहिए, थोड़े टाइम के लिए उसे आप रेस्ट लेने दीजिए। फिर वापस जब उसका ग्रोथ पीरियड आएगा, स्प्रिंग, मॉनसून या समर्स, तो वापस से उसमें ग्रोथ आपको दिखने लगेगी। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल दे दूँ, वाटर लिलीज या फिर लोटस, ये सारे प्लांट्स विंटर्स में डोरमेंसी में चले जाते हैं। बहुत सारे फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं जो विंटर्स में डोरमेंसी में चले जाते हैं। मतलब उस वक्त आपको लगेगा कि बिल्कुल बेजान सा है पौधा, इसमें कुछ ग्रोथ ही नहीं हो रही है, तो आप छोड़ दें उसको उस हाल में, थोड़े टाइम के लिए उसे रेस्ट लेने दें, रेस्ट पीरियड पे है प्लांट। तो ऐसे प्लांट्स को भी आप सेपरेट कर दें। उसमें अननेसेसरली आपको उस टाइम ना प्रूनिंग करनी है, ना फर्टिलाइजर्स देने, आपको कुछ भी नहीं करना है उसमें। तो ये 4 पॉइंट्स हो गए हमारे जो आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। अब अगर हम अगले पॉइंट पे आए तो आता है प्लांट में ह्यूमिडिटी मेंटेन करना। अगर आपके पास सपोज 10 गमले हैं बालकनी में और आपने 10 को को फैला फैला के दूर दूर रख दिया, तो आपको होगा कि बहुत फ्रीक्वेंटली पानी डालना पड़ेगा, क्योंकि बहुत वाटर बहुत जल्दी जल्दी इवेपोरेट होता रहेगा। ह्यूमिडिटी कैसे मेंटेन करने हैं प्लांट को? प्लांट में बहुत सारे तरीके होते हैं ह्यूमिडिटी मेंटेन करने के। जैसे कि मैंने एक बोला मिस्टिंग, मिस्टिंग मैंने जैसे आपको बताया कि आपको इस तरह के स्प्रे बॉटल से प्लांट्स में मिस्टिंग करनी है। अगर आपने इंडोर्स रखे हैं पौधे, समर्स में बहुत ज़्यादा पानी आपको डालने की ज़रूरत नहीं है, या विंटर्स में आपको लगे कि बहुत ज़्यादा ड्राई नहीं है हमारा पॉट, तो बस आप उसके रूट के पास से मिस्टिंग कर दें, थोड़ा सा पानी छिड़क दें इस तरह के कंटेनर से। ये तो मिस्टिंग हो गई। अगेन जैसे मैंने बोला, टेरेरियम्स में भी आपको मिस्टिंग करनी है, आपको मग या जार से पानी नहीं डालना है, राइट? और इसी तरीके से जैसे मैंने बोला कि इंडोर में जो पौधे रखे हैं उनको भी मिस्टिंग की ज़रूरत होती है। उनके पत्तों को आप क्लीन कर दें मिस्टिंग करके, और उसके बाद पोंछ देंगे तो होगा क्या, इसकी जो लीव्स होती हैं नीचे या ऊपर सब डस्ट निकल जाएगी और प्लांट हमारा ब्रीथ करेगा, तो उसकी ग्रोथ अच्छी होगी। साथ ही आपका प्लांट भी फ्रेश दिखेगा, देख कर का आपको लगेगा कि हाँ ग्रो हो रहा है, इसमें कुछ शाइनिंग दिख रही है, प्लांट्स भी पॉलिश्ड दिखेंगे। तो ये तरीका हो गया। दूसरी बात, अगर आप कुछ कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जैसे कि आप ये देख सकते हैं फिटोनिया प्लांट है, नर्व प्लांट, इसमें भी एक प्रॉब्लम होती है। अगर आपने ज़्यादा इसको ड्राई कर दिया, पानी नहीं डाला, तो ये इसकी पत्तियाँ बिल्कुल ऐसे गिर जाती हैं, बिल्कुल ड्रुप डाउन हो जाती हैं। तो इस तरह के प्लांट में थोड़ी सी ह्यूमिडिटी बना के रखने की ज़रूरत होती है, जैसे मैंने आपको पहले दिखाया था। तो ये ह्यूमिडिटी बनाने के लिए बहुत अच्छा तरीका है। आपको करना क्या है, इस तरह की ट्रेज में, यूजली समर्स में मैं रिकमेंड करूँगी, इस तरह के आप कुछ ट्रेज लें, उसमें कुछ पेबल्स रख दें, ग्रेवल्स या कुछ भी जो भी आपके पास अवेलेबल हो आप वो रखें, और पानी डाल दें इस तरीके से। पानी का लेवल ऊपर तक आ जाएगा, लेकिन जब आप इस तरीके से पॉट अपना रखेंगे तो होगा क्या, प्लांट आपका डायरेक्ट पानी में डूबा हुआ नहीं रहेगा, ये सिर्फ टच करेगा इतना पेबल्स के ऊपर से, तो ये जितना इसको प्लांट को पानी चाहिए, जितना इसको ह्यूमिडिटी चाहिए सॉइल में, वो खींच लेगा। तो इंडोर प्लांट्स के लिए बहुत अच्छा तरीका है। जो प्लांट्स बहुत जल्दी ड्राई होते जाते हैं, बहुत जल्दी जिनकी पत्तियां ड्रूप डाउन होती रहती हैं, तो उनके लिए ये तरीका बहुत अच्छा है, पेबल ट्रे मेथड। तो ये कुछ तरीके हो गए जिनसे आप अपने प्लांट में ह्यूमिडिटी मेंटेन करके रख सकते हैं। इसके अलावा एक और तरीका होता है ह्यूमिडिटी मेंटेन करने का, जैसे आप ग्रुपिंग कर सकते हैं प्लांट्स की आसपास रखने से। जैसे आप देख सकते हैं कई सारे प्लांट्स साथ में रखे हैं, तो अगर आपके पास 10 गमले हैं, कोशिश करें थोड़ा सा पास पास में रखने की, तो उनसे एक प्लांट से दूसरे प्लांट में भी ह्यूमिडिटी बनी रहती है। इस तरीके से प्लांट्स सारे ह्यूमिड बने रहेंगे, जो भी वाटर इवेपोरेट होगा एक पॉट से निकल के वह दूसरी तरफ जाएगा, तो बेसिकली प्लांट्स भी आपको हेल्दी दिखेंगे। तो ये कुछ तरीके हो गए ह्यूमिडिटी मेंटेन करने के। अब इसके बाद आती है बात रिपॉटिंग की। अगर आप
गार्डनर हैं तो ऑब्वियसली आपको ये बात समझनी चाहिए कि आपके प्लांट्स को भी रिपोर्टिंग की ज़रूरत होती है। तो रिपोर्टिंग पे जैसे हमने लास्ट सेशन किया था अपना, डिटेल में हमने उस पर डिस्कस भी किया था, तो उसका वीडियो भी आप चेक कर सकते हैं, फेसबुक पे भी है और यूट्यूब पे भी है। तो उसमें हमने क्या क्या पॉइंट्स डिस्कस किए थे, प्लांट्स को रिपोर्टिंग की ज़रूरत कब होती है, कैसे करनी है रिपोर्टिंग, कैसे आप जानेंगे कि आपके प्लांट को रिपोर्टिंग की ज़रूरत है या किन प्लांट्स को ज़रूरत है, किस सीज़न में करनी है, किस टाइम पे करनी है, वो सारी चीज़ें हमने डिस्कस करी थी। सिमिलरली हमने टूल्स पे भी, हमारा एक सेपरेट वीडियो है, आप वो भी चेक कर सकते हैं, फेसबुक और यूट्यूब दोनों पे आपको मिल जाएगा कि कितने टाइप के टूल्स होते हैं, किन टूल्स की किस तरीके से क्या यूजेस होते हैं, वो सारा कुछ उसमें डिस्कस हुआ था। तो जैसे कि मैंने बोला, रिपोर्टिंग भी आपको आना चाहिए। आपके अगर आपको लगता है कि आपका प्लांट बहुत बड़ा हो गया है, आप उसमें डेली पानी डाल रहे हैं फिर भी सूख रहा है, तो वो भी एक साइन है कि अब आपको, अगर आपका प्लांट पॉट के साइज़ की तुलना में काफ़ी बड़ा हो गया है तो आपको समझ जाना चाहिए कि इस प्लांट को अब रिपोर्टिंग की ज़रूरत है, राइट। सिमिलरली अगर आपके हैंगिंग बास्केट्स में कोई प्लांट लगा हुआ है, रूट्स उसके ड्रेनेज होल से निकल के बाहर तक आ रही हैं, तो वो भी एक तरीका है जब आपको रियलाइज होना चाहिए कि हाँ, इस प्लांट को रिपोर्टिंग की ज़रूरत है। प्लांट फुल हो चुका है या हमारा पॉट फुल हो चुका है, या पॉट हमारा रूट बाउंड हो चुका है, रूट्स ड्रेनेज होल से बाहर निकल रही हैं, पत्तियां बिल्कुल मुरझाई हुई सी, पीली ब्राउन सी दिख रही हैं, तो वो सारी ऐसी सिचुएशंस हैं जब आपको समझ जाना चाहिए कि प्लांट की रिपोर्टिंग की ज़रूरत है। तो ये जानना भी बहुत ज़रूरी है कि आपको प्लांट की रिपोर्टिंग कब करनी है, कैसे करनी है, किन कंडीशंस में करनी है, और रिपोर्टिंग किस तरीके से करनी है, रिपोर्टिंग के बाद आप क्या एक्सपेक्ट करेंगे, सारा कुछ जानना बहुत ज़रूरी है एज अ गार्डनर। तो जब आप प्लांट्स की टाइमली रिपोर्टिंग करते रहेंगे, और रिपोर्टिंग से होता है कि कई प्लांट्स ऐसे होते हैं जब हमारा पॉट भर जाता है तो हम प्लांट को डिवाइड करके और भी पॉट्स में तैयार कर लेते हैं, तो हमारे और भी प्लांट्स तैयार हो जाते हैं, राइट। तो उसके अलग फ़ायदे हैं, आपके पास और प्लांट्स तैयार हो जाएंगे और पॉट्स तैयार हो जाएंगे। इसके अलावा एक ये होता है, नेक्स्ट पॉइंट मैं ये कहूँगी कि प्लांट्स को भी ग्रूमिंग की ज़रूरत होती है। अब आप सोच रहे होंगे प्लांट्स को कौन सा हेयर कट और मेकओवर की ज़रूरत है, उसे क्या ग्रूमिंग की ज़रूरत होती है। नहीं, प्लांट्स को भी देखने में हर चीज़ जो भी अच्छी लगती है सभी को अच्छी लगती है, राइट। फिर वो चाहे प्लांट्स हो चाहे कोई चीज़ हो, मेंटेन्ड चीज़ हर किसी को अच्छी लगती है। ग्रूमिंग की अगर मैं बात करूँ तो जैसे आप ये देख सकते हैं स्पाइडर प्लांट, तो ग्रूमिंग कैसे करनी है, आप देख रहे हैं कि अच्छा खासा बड़ा हुआ है, लेकिन कुछ कुछ बीच में चीज़ें ऐसी दिख रही हैं जो अच्छी नहीं लग रही हैं, जैसे कुछ पीली पत्तियां हैं तो टाइमली आप उनको निकाल दें, सूखी हुई पत्तियां हैं, पीली पत्तियां हैं, या कोई स्टेम ड्राई है किसी प्लांट में तो उसको टाइम टू टाइम कट करते रहें। इस तरीके से आप पीली पत्तियां सब निकाल देंगे अगर, तो आपका प्लांट थोड़ा नीट दिखेगा, ऐसा नहीं लगेगा कि बिल्कुल उसी में पीली पत्तियां भी हैं, ब्राउन पत्तियां भी हैं, स्टेम्स भी सूखी हुई है, थोड़ी कहीं पे हरी दिख रही है, तो वो देखने में अच्छा नहीं लगता है। कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनको शेप दिया जाता है, जैसे अगर आपके गार्डन में कुछ ट्रीज हैं तो आप उनको शेप दे सकते हैं। जैसे गोल्डन साइप्रस, बहुत सारे लोगों के घर में आपने देखा होगा उसको, वो बहुत अच्छे तरीके से शेप दे करके मेंटेन करते हैं, राइट। तो आप प्लांट को शेप दें, जो भी उसकी ड्राइड ब्रांचेस हों उनको आप कट करें। जैसे मैं आपको ये दिखा देती हूँ, ग्रूमिंग के और भी तरीके होते हैं, उनकी पत्तियों में चमक बनी रहे अगर आप इंडोर रख रहे हैं कोई पौधा, तो जैसे मैं आपको दिखाती हूँ, ये है फिडल लीफ का प्लांट, तो ये मैं यूजली इंडोर्स ही रखती हूँ हमेशा, राइट। तो इसमें होता क्या है, जब हमने अंदर रखा है तो भाई कुछ टाइम पे होता है इसमें धूल जमने लगती है पत्तियों पे, डस्ट चिपकने लगती है, तो उसको भी क्लीन करना बहुत ज़रूरी है, उसको पॉलिश्ड रखिए। कैसे करना है, मतलब आपको करना क्या है, इसकी पत्तियों पे इस तरीके से पानी डालें आप, सॉफ्ट कपड़े से आपकी इसकी पत्तियों को पोछना है। डेली करने की जरूरत नहीं है कि आप डेली इनकी पत्तियों को पोछ रहे हैं, साफ कर रहे हैं, वीकली भी करिए तो भी चलेगा। जब आपको लगे कि बहुत डस्ट हो गई है, तो जब पत्तियां साफ साफ सी दिखेंगी, चमकती हुई सी दिखेंगी, पॉलिश्ड दिखेंगी, तो प्लांट आपको वैसे ही हेल्दी हेल्दी सा दिखेगा, राइट। इस तरीके से आपको क्लीन कर देना है हल्के हाथों से कि आपका प्लांट डैमेज ना हो, इस तरीके से।
अब आप देख सकते हैं कि इतनी चमक आ गई पत्तियों में, राइट। सिमिलरली जैसे इसमें नीचे की पत्तियां हैं कुछ एक, आप देख सकते हैं ब्राउन हो गई हैं, सूखी है, क्योंकि एजिंग होती है, प्लांट्स में भी एजिंग होती है, तो जो पुराने पत्ते होते जाते हैं वो धीरे धीरे सूखने लगते हैं, फिर धीरे धीरे वो भी कैसे करना है कट। इस तरह की पत्तियों को तो आपको प्रूनर की जरूरत नहीं, आप सीजर से भी काट सकते हैं उनको, आप इस तरीके से रिमूव कर दें जिससे लुक नहीं आता है पौधे में, क्योंकि ड्राई ड्राई सी पत्तियाँ या येलो पत्तियाँ देखने में अच्छी नहीं लगती हैं, तो इन्हें भी आपको हटा देना है जिससे आपका पौधा हेल्दी दिखे। बहुत लोगों के घर में आपने देखा होगा मनी प्लांट का पौधा लगा हुआ है, लेकिन उस पे करते क्या है कि बहुत सारी पत्तियाँ भी पीली पीली दिख रही हैं, उनको नहीं निकालते हैं, तो थोड़ा सा क्लमजी दिखता है वो। तो वो चीज़ आपको देखनी है कि अगर पत्तियाँ पीली हैं तो उन्हें हटा दें, सूखी स्टेम है, सूखी ब्रांचेस हैं अगर उसमें तो उन्हें हटा दें, प्लांट की समय समय पे थोड़ी सी प्रूनिंग करते रहें, और उसके अलावा पत्तों को साफ कर दें, साफ कपड़े से क्लीन कर दें। इसके अलावा कुछ जो इंडोर प्लांट्स होते हैं उन्हें कभी कभी अच्छे से शावर भी देना चाहिए। शावर देना चाहिए मतलब अगर बारिश हो रही है तब तो बेस्ट है आप उठा करके बाहर रख दें, बारिश के पानी में वो अच्छे से उन्हें पानी भी मिल जाएगा, प्लांट के लिए वैसे भी बहुत हेल्दी होता है, दूसरी बात पत्तियों में भी बिल्कुल चमक आ जाती है। या फिर जो इंडोर प्लांट्स होते हैं आपके, उन्हें आप बाथरूम में ले जाके या फिर किचन में रख के जो शावर होता है उसी से आप उसमें पानी दें अच्छे से, उसकी सारी पत्तियां भिगोएं, स्टेम भिगोएं, बहुत अच्छे तरीके से उसको नहला दें बिल्कुल, तो उससे भी प्लांट्स में एक नई चमक आ जाती है, नई जान आ जाती है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं प्लांट्स की ग्रूमिंग। सूखी पत्तियों को काट दें, अगर ड्राइड ब्रांचेस हैं उनको काट दें, और प्लांट को थोड़ा शेप दे दें, जैसे गार्डन में कुछ लोग हेजेस लगाते हैं, बुशेस लगाते हैं, राइट, गार्डन बुशेस, तो उनको भी लोग कट करके शेप देते हैं, कुछ लोग स्ट्रेट देते हैं, कुछ लोग ज़िगज़ैग या कुछ अलग शेप में, या जैसे मैंने एग्जांपल दिया आपको गोल्डन साइप्रस, आपने देखा होगा बहुत लोगों के घरों में, तो उसको कुछ लोग गोल तरीके से काटते हैं, कुछ कोन के शेप में कटवाते हैं, तो बहुत नीट भी लगता है और प्लांट भी आपका डेंस हो जाता है, प्रूनिंग से और ट्रिमिंग से आपका प्लांट और डेंस होता है। तो प्लांट को भी ग्रूमिंग की बहुत ज़रूरत होती है। अब इसके अलावा अगर बात करें कि ग्रूमिंग तो कर दी, चलो इतना ध्यान दे दिया, फिर भी होता क्या है कि प्लांट्स में कभी कभी पेस्ट अटैक हो जाते हैं। तो पेस्ट अटैक बिल्कुल नॉर्मल है, और आप कितनी भी कोशिश करें, कितना भी ध्यान रखें पौधों का, आपको ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि पेस्ट अटैक होता है प्लांट्स में। कुछ प्लांट्स में बहुत ज़्यादा होता है, जैसे हिबिस्कस में आपने देखा होगा, कितना भी आप ध्यान रखेंगे उस प्लांट का, फिर भी आपको ऑन एंड ऑफ उसमें दिखेंगे पेस्ट अटैक। तो पेस्ट अटैक का मतलब, जैसे गुड़हल में आपने देखा होगा मिली बग्स, वाइट कलर के छोटे छोटे से कीड़े होते हैं, पूरी उसकी पत्तियों पे, उसके फ्लावर्स पे फैले हुए से दिखते हैं, तो उस पे भी बहुत ज़्यादा आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। अगर आप ध्यान नहीं देंगे और उसका तुरंत टाइमली उसका आपको उपचार नहीं करेंगे, जो भी उसकी डिजीज्ड लीव्स हैं या फिर जो भी प्लांट के जिस भी पार्ट में अटैक किया है पेस्ट ने, तो उसको हटाना बहुत ज़रूरी है। अगर आप वो नहीं करेंगे, कैसे करना है, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि बस आपने देखा और आप, जैसे यूजली मैं कहती हूँ कि नीम ऑयल और लिक्विड सोप मिला करके 1 लीटर पानी में आप अच्छे से शेक करें। अगेन यहाँ पे भी इस टूल की ज़रूरत पड़ जाती है कि अगर आपको स्प्रे करना है तो आप कैसे करेंगे, आप मग से तो कितना पानी डालेंगे, बहुत वेस्ट होगा। तो इस तरह के वाटर कंटेनर्स बहुत ज़रूरी होते हैं, स्प्रे बॉटल्स ज़रूरी होती हैं अगर आपको स्प्रे करना है कुछ इस तरह की पेस्टिसाइड, तो आप उसको मिक्स करें, स्प्रे करें। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा इन्फेक्टेड है आपका प्लांट, गुड़हल में जैसे कि बहुत कॉमन प्रॉब्लम देखने को मिलती है, गुड़हल हो गया, एपोमिया हो गया, 3-4 प्लांट्स जिनमें मैं बहुत फ्रिक्वेंटली देखती हूँ ये प्रॉब्लम, तो सबसे पहले तो आप क्या करें, जो बहुत ज़्यादा इन्फेक्टेड लीव्स हैं या इन्फेक्टेड स्टेम्स हैं उनको आप प्रून कर दें। प्रून कर दें मतलब वहीं से काटना, ये नहीं आपने पूरा पेड़ ही काट दिया उठा करके। जैसे मैं आपको ओके
जैसे ये प्लांट मान लीजिए, ये है लेमन लाइम फिलोडेंड्रॉन। जैसे मान लीजिए इसमें बहुत सारी ब्रांचेस निकली हुई हैं, या ऊपर की जो ब्रांच है यहाँ पे मीली बग्स ने अटैक कर दिया है, बिल्कुल बुरी तरीके से अटैक है इसके, बिल्कुल सफ़ेद हो गई हैं पत्तियाँ और बिल्कुल गंदा सा दिख रहा है। तो आपको ऐसा नहीं करना है कि आपने पूरा पौधा ही निकाल दिया कि अब तो पौधा ही मेरा गया, ऐसा नहीं है। आपको करना क्या है, आप प्रून करिए, जितना इन्फेक्टेड पार्ट है सिर्फ उतना निकालिए, आपको बाकी ब्रांचेस कट करने की ज़रूरत नहीं है, और ना ही आपको प्लांट की रिपोर्टिंग की ज़रूरत है कि आप सोचें कि प्लांट की रिपोर्टिंग कर दें तो ये प्रॉब्लम दूर हो जाएगी, ऐसा नहीं है। जो भी डिजीज्ड पार्ट है आपका, चाहे लीफ हुआ, चाहे स्टेम हुआ या फ्लावर हुआ, जो भी डिजीज्ड पार्ट है, पहले आप उसको सावधानी से कट करें, उतना हटाएं, दूर फेंकें। उसके बाद आपको ऑब्जर्व करना है बाकी जगह, प्लांट में कहीं और तो इन्फेक्शन नहीं हुआ है, कहीं और तो अटैक नहीं किया है पेस्ट ने। अगर कहीं और आपको दिखता है तो आप उतनी ही चीज़ें हटाएं, अननेसेसरली आपको पूरे प्लांट को काटने की या छेड़ने की ज़रूरत नहीं है, उसको हटाएं। उसके बाद आप सोल्यूशन यूज़ करें, और मैं हमेशा रिकमेंड करती हूँ ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड। क्यों, उसके भी बहुत सारे रीजंस हैं। अगर हम केमिकल बेस्ड पेस्टिसाइड्स यूज़ करेंगे तो हमारे गार्डन में बीज और बर्ड्स आती हैं, तो उन पर बहुत फ़र्क पड़ेगा। मतलब केमिकल्स अगर वो एब्जॉर्ब करेंगी, उनकी बॉडी वो टच करेंगी, वो उनके इनहेल करेंगी, तो ऑब्वियसली उनका तो गया काम। तो आपको ये ध्यान रखना है कि हमेशा आप ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड ही यूज़ करें। कुछ लोग कहते हैं कि ये नीम ऑयल इफ़ेक्टिव नहीं है, हो सकता है कि आपके गार्डन में इम्यून हो चुके हों वो पेस्ट जो बार बार अटैक कर रहे हैं आपके प्लांट में, और आप बार बार यूज़ कर रहे हैं नीम ऑयल का। तो आप और भी चीज़ें एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, ऐसा नहीं है, हार्ड को रूल नहीं है कि सिर्फ नीम ऑयल ही यूज़ करना है। आप यूज़ कर सकते हैं यूकेलिप्टस ऑयल, उसकी भी स्ट्रॉन्ग स्मेल होती है, यूकेलिप्टस ऑयल भी इस पर्पज़ के लिए परफेक्ट है, सेम तरीके से आपको यूज़ करना है। या फिर आप पंचगव्य का यूज़ कर सकते हैं, ये सारे प्रोडक्ट्स वेबसाइट पर अवेलेबल हैं, और कैसे यूज़ करना है वो सारी इन्फॉर्मेशन भी दी होती है। तो हमेशा यूज़ करें आप ऑर्गेनिक पेस्ट अटैक, जिससे हमारे जो बर्ड्स या बीज आती हैं गार्डन में उन्हें कोई हार्म ना हो, और आपका प्लांट भी हार्मफुल, हमारे घर में छोटे छोटे बच्चे भी रहते हैं तो उनके लिए भी सही नहीं है अगर हम कोई केमिकल यूज़ करेंगे गार्डन में, राइट। वेजिटेबल्स वगैरह जो हम ग्रो करते हैं, हम क्यों ग्रो करते हैं, कि वो ऑर्गेनिक रहे, उसमें कोई पेस्ट उसमें कोई पेस्टिसाइड यूज़ ना हुआ हो ऐसा केमिकल बेस्ड। तो इसलिए इस तरह की चीज़ों का आप यूज़ करें। सबसे पहले तो कोशिश करें जो भी इन्फेक्टेड स्टेम लीफ या पार्ट है प्लांट का, उसको कट करें, सावधानी से प्रून करके हटाएं, और बाकी जगह देखें कहीं और भी अगर इन्फेक्शन है तो उसको भी हटाएं, फिर उसके बाद आप इस तरीके का ट्रीटमेंट दें अपने प्लांट को। तो ये सारी चीज़ें हो गई कि आपको कैसे अपने प्लांट को पेस्ट अटैक से दूर करना है, कैसे बचाना है। अगर पेस्ट अटैक हुआ तो इट्स ओके, नॉर्मल, इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि मेरे प्लांट में बार बार मिली बग हो जाता है, या मेरे प्लांट में बार बार कुछ और कीड़े आ जाते हैं, दैट्स नॉर्मल, ठीक है। तो ये हमने इतने सारे पॉइंट्स डिस्कस कर डाले। इसके अलावा अब ये होता है कि भाई हर प्लांट की अलग रिक्वायरमेंट होती है, हर प्लांट की स्पेसिफिक नीड्स होती हैं, सनलाइट की, वाटर की, फर्टिलाइज़र की, हर चीज़ की। जैसे अगर हम एक जेनरिक तरीके से बात करें तो जैसे हम एक्वेटिक प्लांट्स को ग्रो करते हैं पानी में, और मिट्टी भी यूज़ करते हैं, मिट्टी प्रेफरेबली हम यूज़ करते हैं चिकनी मिट्टी, जो तालाब वाली मिट्टी होती है, राइट। लेकिन वो चिकनी मिट्टी को हम बाकी प्लांट्स को ग्रो करने के लिए यूज़ नहीं करते हैं, क्योंकि उससे होगा क्या, रूट्स फैलेंगी नहीं ढंग से। सिमिलरली सनलाइट की अगर हम बात करें तो हर तरह के प्लांट की सनलाइट की रिक्वायरमेंट अलग होती है, राइट। जैसे कि अगर हमें वेजिटेबल्स ग्रो करना है तो ज़्यादातर वेजिटेबल्स को फुल सनलाइट चाहिए होती है। उसी तरीके से अगर हमें फ्लावर्स का चेक करना है कि उनकी रिक्वायरमेंट कैसी है, तो ज़्यादातर फ्लावर्स की रिक्वायरमेंट होती है फुल सनलाइट, लेकिन साथ ही में कुछ जो शेमी शेड वाले फ्लावर्स होते हैं, जैसे एंथूरियम हो गया, पीछे आप देख सकते हैं ये एंथूरियम है, और पीस लिली, इसमें कली भी आई हुई है, पीस लिली, इनको फुल सनलाइट में आप नहीं ग्रो कर सकते हैं, राइट। सक्यूलेंट्स की अगर हम बात करें तो सक्यूलेंट्स के लिए, सक्यूलेंट्स को आप फुल सनलाइट में भी ग्रो कर सकते हैं और पार्शियल शेड में भी ग्रो कर सकते हैं। लेकिन अगर हम जीजी प्लांट की बात करें तो जीजी प्लांट ऐसा प्लांट है जिसको आप फुल सनलाइट में नहीं ग्रो कर सकते हैं, हालांकि ये बिलोंग करता है
सक्यूलेंट फैमिली को ही, राइट? तो ये प्लांट स्पेसिफिक होना बहुत ज़रूरी है, उनकी रिक्वायरमेंट को जानना बहुत ज़रूरी है. जैसे फर्न्स हो गए, फर्न्स को पानी बहुत ज़्यादा पसंद है. आप ज़्यादा पानी भी डालेंगे तो भी रूट रॉट के चांसेस बहुत कम होते हैं. पहाड़ों पे ग्रो होता है फर्न, उसमें ऑलरेडी बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी होती है, बहुत ज़्यादा मॉइस्चर होता है, बहुत ज़्यादा पानी होता है. तो फर्न की वाटर रिक्वायरमेंट अलग हो गई. और जीजी प्लांट जिस मैं इसकी बात कर रही थी, ये है जीजी प्लांट. ये बिलोंग करता है सक्यूलेंट फैमिली को, लेकिन इसको हम धूप में नहीं रख सकते. इसको आप कंप्लीट डार्क वाली जगह पे भी ग्रो कर सकते हैं और पार्शियल शेड पे भी. हालांकि बाकी सक्यूलेंट्स जो और सक्यूलेंट्स होते हैं उन्हें आप फुल सनलाइट में भी ग्रो कर सकते हैं और उन्हें आप पार्शियल शेड में भी ग्रो कर सकते हैं, लेकिन वो कम्प्लीटली इंडोर्स या बिल्कुल डार्क में ग्रो नहीं होंगे. तो आपको हर प्लांट की नीड्स को समझना बहुत ज़रूरी है, उसकी रिक्वायरमेंट को समझना बहुत ज़रूरी है. एक ही रूल हर प्लांट के लिए लागू नहीं होता है, ये जानना बहुत ज़रूरी है. धीरे धीरे आ जाती हैं चीज़ें, ऐसा नहीं है कि आप सडनली कोई चीज़ सीख जाएंगे. और जैसे कि मैंने बोला कि वाटर रिक्वायरमेंट्स हो गई, सनलाइट रिक्वायरमेंट्स हो गई, ह्यूमिडिटी किस प्लांट को कितनी चाहिए, सारी चीज़ें, राइट? ये सारे फैक्टर्स हर प्लांट के लिए अलग होते हैं. तो ये हो गई कि आपको प्लांट स्पेसिफिक नीड्स को भी चेक करना है. तो हमने ये 10 पॉइंट कवर कर लिया. अब हम आपको लास्ट पॉइंट पे आते हैं. इसके बाद हम आते हैं कि हाँ, मतलब कभी कभी होता है कि हमने बहुत ध्यान रखा प्लांट्स की, बहुत केयर की, फिर भी 9 पॉइंट्स हमने डिस्कस कर लिए. बहुत ध्यान रखा हमने प्लांट्स का, बहुत केयर कर रहे हैं, पानी भी बहुत चेक करके डाल रहे हैं, टाइम टाइम पे रिपोर्टिंग कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, फिर भी कहीं कुछ तो गलती हो जाती है कि हमारा पौधा गया, रूट रॉट हो गया या फिर सूख ही जाता है, कुछ नहीं होगा. तो रिपोर्टिंग किया तो सर्वाइव नहीं किया रिपोर्टिंग के बाद, तो क्या हो जाता है, कुछ ना कुछ गलतियाँ हो जाती हैं. आप उसको एक्सेप्ट करें, सबके साथ होता है. ऐसा नहीं है कि आप अगर बिगनर हैं गार्डनिंग में तो सिर्फ आप ही के साथ हो रहा है. जो एक्सपर्ट्स होते हैं उनके साथ भी होता है, धीरे धीरे ही हमें सीखने को मिलता है. तो आपको ये भी एक्सेप्ट, ओके, तो हम आते हैं अपने लास्ट पॉइंट की तरफ कि अपने प्लांट्स को आप ग्रुप करके रखें. ग्रुपिंग से प्लांट्स बहुत अच्छे से ग्रो होते हैं. ग्रुपिंग का क्या मतलब है, आप जैसे आप पीछे मेरे देख सकते हैं कि किस तरीके से मैंने प्लांट्स को अरेंज किया है. तो इसे बोलते हैं प्लांट्स की ग्रुपिंग करना. मैं सजेस्ट करूंगी कि आप अलग अलग फॉलिएज वाले अलग अलग कलर के पत्तों को एक साथ रखें तो बहुत अच्छा सा कलर खिल के आता है. जैसे आप देख सकते हैं स्पाइडर प्लांट, थोड़ा वाइट ग्रीन गोल्डन सा कलर है इसमें. ट्रायो स्टार, आप देख सकते हैं इसकी पत्तियों में कितने कलर हैं, राइट? फिर आप ये देख सकते हैं एग्लोनीमा की पत्तियां कितनी खूबसूरत लग रही हैं. फिर बड़े पत्ते वाले बीच में आ गए, फिर यहाँ पे पाम आ गया. तो इसको बोलते हैं ग्रुपिंग. प्लांट्स जब ग्रुपिंग जब आप प्लांट्स की ग्रुपिंग करके रखते हैं तो देखने में तो वो खूबसूरत लगते ही हैं, साथ ही साथ वो छोटे बड़े पत्ते वाले पौधे अलग रखें आप, और अलग अलग कलर की फॉलिएज के पौधे साथ में रखें, सॉरी अलग नहीं साथ में रखें, छोटे बड़े पत्ते मिक्स करके रखें पौधे, और अलग अलग कलर के पत्ते साथ में रखें, थोड़ा हाइट दे करके रखें, तो लुक भी बहुत अच्छे से आता है. बेसिकली इसको आप कह सकते हैं लैंडस्केपिंग वाला लुक आ जाएगा आपका. इससे होता क्या है प्लांट्स में, जैसे मैंने पहले बोला था, दूसरे पॉइंट में डिस्कस किया था हमने कि प्लांट्स में ह्यूमिडिटी बहुत अच्छी बनी रहती है. इससे जब हम पानी डालते हैं, जब पास पास में है तो डायरेक्ट सनलाइट इसमें नहीं आ रही है, ज़्यादा धूप नहीं पड़ रही है इस पे, तो बहुत ज़्यादा ये इवेपोरेट नहीं हो रहा है इससे पानी, और ह्यूमिडिटी मेंटेन्ड रहती है. एक प्लांट से दूसरे प्लांट में भी ह्यूमिडिटी मिलती रहती है. जब पत्तियाँ इसमें इवेपोरेट करती हैं पानी, तो दूसरे पौधों को भी इससे ह्यूमिडिटी बनी रहती है. इस तो ये तो हो गया कि मतलब हमने छोटे बड़े पत्ते कलरफुल पत्तों को साथ में रख दिया. और कोशिश करें कि जो सिमिलर रिक्वायरमेंट वाले जो प्लांट्स होते हैं, जैसे कि जैसे मैंने बात की ना कि पानी सनलाइट और उस तरीके से, तो उन चीज़ों को आपको खास ध्यान रखते हुए प्लांट्स की ग्रुपिंग करनी है. तो इनसे होता क्या है, प्लांट्स भी थोड़ा हेल्दी दिखते हैं, प्लांट्स भी बहुत अच्छे से ग्रो करते हैं. मतलब चार पौधे साथ में आपने रखे तो उन्हें भी बहुत हैप्पी सी फीलिंग आती है, बहुत अच्छे से ग्रो करते हैं, ह्यूमिडिटी मेंटेन रहती है, देखने में भी खूबसूरत लगता है. तो ये सारे हमारे 11 पॉइंट्स हैं जिनको अगर आप ध्यान रखेंगे, धीरे धीरे आपको उसको अपने आदत में डालना है,
और उसी से फिर होगा क्या, आपका गार्डन बहुत नीट एंड क्लीन, ऑर्गेनाइज्ड, वेल मेंटेन्ड दिखेगा, प्लांट्स बहुत हेल्दी दिखेंगे, आपको टाइम टू टाइम उसकी प्रूनिंग करना, वाटरिंग का ध्यान देना, इन सब बेसिक चीज़ों का आप अगर आप ध्यान देंगे तो गार्डन आपका बहुत खूबसूरत दिखने वाला है। और उसके अलावा जब आप गार्डन में आप टाइम स्पेंड करेंगे तो आपको डिफरेंस दिखेगा कि हाँ पहले प्लांट्स मेरे ऐसे थे और अभी इनमें ये डिफरेंस दिख रहा है। तो ये सारी चीज़ें आप, आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा और आप आगे भी ध्यान रखेंगे इन चीज़ों का और आपके प्लांट्स बहुत अच्छे से ग्रो करेंगे। तो अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर करेंगे करिएगा और आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करें। और अगर आप हमसे इंस्पायर होकर अपना गार्डन क्रिएट करते हैं, कुछ पिक्चर्स वगैरह पोस्ट करते हैं तो नर्सरी लाइफ को टैग ज़रूर करिए। और इसी तरीके से इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए और सीखते रहने के लिए गार्डनिंग से रिलेटेड चीज़ें, नर्सरी लाइफ के साथ जुड़े रहिए।